आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा मार्केट से गुजरने वाली फास्ट ट्रैक रेलवे लाइन पर हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस फास्ट रेलवे लाइन पर लोग शॉर्टकट के चक्कर में अपनी जान गंवा दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है आज। पटरी पार करते वक्त एक 70 साल के बुजुर्ग ट्रेन की चपेट में आ गए। मोहम्मद साकिब 70 वर्षीय संतोष ग्राउंड मुंब्रा के रहने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक मोहम्मद साकिब अपने घर से किसी काम से मार्केट आए थे, मगर करीब 3:30 बजे के आसपास मोहम्मद साकिब फास्ट लाइन से पटरी पार करने लगे। तभी अचानक कल्याण से सीएसटी की तरफ जाने वाली ट्रेन की चपेट में आ गई, जिसकी वजह से मोहम्मद साकिब की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। कोई आपसे बताना चाहता हूँ, देखो म्युनिसिपैलिटी ने यहाँ बायकदर रास्ता बना के दी, जबकि हम लोगों की मांग नहीं है यहाँ से रास्ता बंद करो। ये म्युनिसिपैलिटी सीढ़ी बना के दे रही। हमने रेलवे के इंजीनियर से बायकदर मांग नहीं करी कि यहाँ से पहले ना गाय वगैरह क्रॉस करती थी, बैलगाड़ी वगैरह क्रॉस करती थी। एक छोटा रास्ता होता था अंडरग्राउंड जाने का, आप वो रास्ता चालू कर दो जिससे लोगों की जान ना जाए। देखो जब हादसा हुआ हम लोगों को मालूम पड़ा, हम लोग फौरी तौर पे यहाँ पहुंचे। उसके लगभग 1 घंटे पौने घंटे बाद हम लोगों ने यहाँ से बॉडी उठाई। रेलवे के लोग जब तक पहुंचे नहीं थे, हमने उठा करके एम्बुलेंस में रखी। हमने कहा दो घंटा एक्सीडेंट हो गया हो गया। हम लोगों ने कहा पंचनामा करना है तो एम्बुलेंस में करो, हम ऐसी बॉडी को रखने नहीं देंगे, हमारे लोग हैं, ये लोकल लोग हैं, इनका ऐसा पड़े नहीं रहने देंगे। तो हमने उठा के रखा, रेलवे वाले 2 घंटे बाद पहुंचे यहाँ पर। रेलवे की एक भी बीट पे एक भी अधिकारी नहीं बैठा उनका, ना यहाँ स्ट्रेचर है हम लोगों के पास कि कभी कोई हादसा हो जाता है तो हम उसको उठा के साइड में रखे। रेलवे प्रशासन से देखो, अभी जो जैसा आपने खाला का इंटरव्यू सुना, 3 महीना पहले उनकी बेटी का इंतकाल, बहू का इंतकाल हुआ था। उसके बाद हम 2016 से मांग नहीं कर रहे थे। उसके बाद हमने ज़्यादा एक्टिव होकर के कंटिन्यूस बेसिस पे हर वीक पे उनसे लेटरबाजी की है। उनसे हमने मांगा तो उन्होंने हमको लिखित में रेलवे ने दिया है कि 2 महीने के अंदर यहाँ पर वॉल का काम चालू हो जाएगा, ये पूरी यहाँ पर RCC वॉल बना दी जाएगी, क्रॉसिंग बंद कर दी जाएगी। और हमारे को इंजीनियर ने पर्सनली मिल करके ये बोला था कि हम सर्वे करते हैं, आप हमको अंडरग्राउंड का रास्ता बताओ। अब ये लास्ट टाइम हम उनसे बात करेंगे और उनका जो भी आश्वासन है लास्ट टाइम सुनेंगे। अगर उसके बावजूद उन लोगों ने काम पूरा नहीं किया तो हम लोग यहाँ के लोकल्स लोग को लेकर के हमारी MIM की टीम यहाँ पर लोगों की जान बचाने के लिए खुद दीवार उठा लेगी। हमको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, हम लोग खुद कर लेंगे। हम हमारे लोकल लोग को ऐसा मरता हुआ नहीं देख सकते। आपको बता दें कि MIM ने इस फास्ट ट्रैक लाइन पर सुरक्षा दीवार उठाने की मांग की थी, मगर अभी तक यहाँ पर सुरक्षा दीवार उठाने का काम चालू नहीं हुआ है। सुरक्षा दीवार ना होने की वजह से लोग आए दिन ट्रेन हादसों का शिकार हो रहे हैं। वहीं MIM के यूथ प्रेसिडेंट सैफ पठान ने कहा है, अगर रेलवे हमें सुरक्षा दीवार नहीं देगी बनाकर तो आने वाले दिनों में MIM पार्टी खुद यहां पर सुरक्षा दीवार का निर्माण करेगी। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।